प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों पर एक पुलिस वाले से मारपीट का आरोप लगा। बताया ये गया है कि ये सभी चारों आरोपी सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे थे और जब पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस वाले ने इन लोगों को ऐसा करने से रोका तो नशे में धुत दबंग पुलिस वाले पर ही टूट पड़े। किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने डंडे से पिटाई की। हालांकि पिटाई से बचने के लिए पुलिस वाले ने मौके से भागने की कोशिश की, मगर आरोपियों ने उसे दौड़ कर पकड़ लिया और फिर उस पर थप्पड़, घूसों और डंडे की बरसात कर दी। इस घटना के वक्त आसपास कुछ लोग भी वीडियो में नजर आए, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पास के थाने से पुलिस टीम पहुंची और उसने दो आरोपियों को पकड़ लिया और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की जाए। बाकी दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम बना दी, जिसने फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी। 100 बात की एक बात ये कि पुलिस वाले की पिटाई की ये घटना गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में देर रात हुई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम फौरन एक्शन में आई और उसने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। इन सभी के खिलाफ हत्या का प्रयास और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।